अगला टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है रेंज ऑफ राडार रेंज ऑफ राडार रेंज ऑफ राडार का जो अर्थ है वो नीचे लिखा हुआ है रेंज इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ राडार टारगेट दैट राडार कैन लोकेट मतलब कि रेंज मैक्सिमम दूरी टारगेट की राडार से कितना होना चाहिए जिससे कि वो टारगेट रडार के द्वारा लोकेट किया जा सके तो ये मैक्सिमम दूरी निकालना जो है वो रेंज ऑफ रडार कहलाता है रेंज ऑफ़ रडार जो है हम पहले भी देख चुके हैं कि मुख्य रूप से ट्रांसमिटेड पावर मिनिमम रिसीवेबल पावर गेन ऑफ एंटेना और क्रॉस प्रोसेक्शन इन चार चीज़ों पर जो है ये मैक्सिमम रेंज रडार का डिपेंड करता है अभी हमने मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया है फिर से ये सेम फिगर है जैसे पहले बनाया था किंतु यहाँ पर पैरामीटर्स अलग दिख रहे हैं यहाँ पर राडार शो कर रही हूं मैं ये राडार है राडार से एंटेना जुड़ा हुआ है राडार ट्रांसमीटर से पावर पीटी निकलता है जो कि एंटेना से होकर बाहर निकलता है तो ये पावर पीटी डैश हो जाता है क्योंकि इसमें एंटेना की प्रॉपर्टीज भी शामिल हो जाती हैं ये पावर पीटी डैश जो है ये टारगेट की दिशा में ट्रैवल करता है डिस्टेंस आर ट्रैवल करने के बाद ये पावर कम होकर पी एस हो yep. जाएगा जब ये टारगेट पे पहुंचेगा तो ये पावर पी एस हो जाएगा अब टारगेट के क्रॉस सेक्शन के अनुसार ये पावर रिफ़्लेक्ट होगा और रिफ़्लेक्टेड पावर पी एस डैश कहलाएगा जब ये पावर पी एस डैश रिफ़्लेक्ट हो वापस राडार पे पहुँचेगा तो ये राडार के एंटेना पे पहुँचेगा तब ये पावर पी आर डैश कहलाएगा और जब ये एंटेना से रिसीव किया जाएगा तो ये पावर पी आर कहलाएगा तो हमको यहाँ पर छह स्टेप्स में हम ये इक्वेशन डराइव करेंगे जहाँ पर हम पी टी पी टी डैश पी एस पी एस डैश पी आर डैश और पी आर के माध्यम से हम इक्वेशंस को एक के बाद एक स्टेप वाइज निकालेंगे यहां देखिए पावर ट्रांसमिटेड बाय राडार पी टी डैश इज इक्वल टू पीटी मल्टीप्लाइड बाय जी डी जी डी जो है दिस इज द डायरेक्शनल गेन ऑफ एंटेना ठीक है यहाँ पर मैंने लेजेंड में सारी की सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं आप देखेंगे कि यहाँ पर लेजेंड में जी है जी डी इज इक्वल टू डायरेक्शनल गेन ऑफ एंटेना जी ए इज़ इक्वल टू एंटेना गेन जी डी और जी ए के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज़ जी डी इज़ इक्वल टू जी ए मल्टीप्लाइड बाई लैमडा डिवाइडेड बाय फोर पाए एस इज़ द रडार प्रोसेशन लैमडा इज द वेव लेंथ ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल एंड पी मेन इज द मिनिमम डिटेक्टेबल पावर इन सब पैरामीटर्स को यूज़ करके हम इक्वेशन डेराइव करेंगे अब हम फिर से वापस आते हैं पावर एट टारगेट पावर एट टारगेट इज इक्वल टू पी एस इज़ इक्वल टू पी टी मल्टीप्लाइड बाई जी डी डिवाइडेड बाई फोर पाई आर स्क्वायर यहाँ फोर पाई आर स्क्वायर कैसे आया जब भी पावर जब भी माइक्रोवेव सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करता है तो पावर का पावर जो है वो बहुत तेज़ी से रिड्यूस होता है और जो रिडक्शन है दैट इज दैट इज़ प्रपोर्शनल टू वन अपॉन फोर पाई आर स्क्वा इसी हमने जो पावर एट टारगेट लिखा है पी एस डेट इज इक्वल टू पी टी इंटू जी डी मल्टीप्लाइड बाय फोर पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट इज पावर रिफ्लेक्टेड बाय टारगेट अब ये जो पावर पी एस जो टारगेट तक पहुंचा ये रिफ्लेक्ट होगा एंड इट विल बिकम पी एस डैश तो पी एस डैश इज इक्वल टू पीटी इंटू जी डी इंटू एस डिवाइडेड बाई फोर पाई आर स्क्वायर तो इसमें सिर्फ एक एस मल्टीप्लाई हो गया है विच इज द राडार क्रॉस सेक्शन ऑफ द टारगेट इसके बाद हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं पावर कमिंग बैक एट द राडार तो पावर कमिंग बैक एट द राडार इज पी आर डैश इज इक्वल टू पी टी इंटू जी डी इंटू एस डिवाइडेड बाय फोर पाई आर का होल स्क्वायर यहाँ होल स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि फोर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय फोर पाई आर स्क्वायर दो बारे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि जो सिग्नल है वो दो बार ट्रेवल करता है एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक बार रिवर्स में इसलिए ये फोर पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया है अब ये पावर पी आर डैश जो है दिस इज द पावर एट द एंटेना अब ये जो पावर एंटेना पे है ये वापस राडार के रिसीवर में पहुंचेगा तो फिर से ये एंटेना के गेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब डायरेक्शनल गेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी आर जो है दैट विल बिकम पी टी इंटू जी डी स्क्वायर यहाँ फिर से जी डी मल्टीप्लाई हो जाएगा एक बार और तो ये जी डी स्क्वायर हो जाएगा इंटू एस डिवाइडेड बाई फोर पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको हमने ओपन किया नीचे का इक्वेशन तो इट विल बिकम पी टी जी डी हाँ यहाँ पर जो है ये इक्वेशन कैसे आया ये इक्वेशन जो है इसमें मैंने जी डी की वैल्यू रखी है जी ए लेमडा बाय फोर पाई जो इक्वेशन यहां पर हमने देखा था जी डी इज इक्वल टू जी ए लेमडा बाय फोर पाई इसी को हमने यहां पर रखा है तो अब ये इक्वेशन बन गया पीटी जी ए होल स्क्वायर लेमडा स्क्वायर एस डिवाइडेड बाय फोर पाई रेस टू थ्री और आर रेस टू फोर तो ये पावर जो है ये अब राडार के रिसीवर में पहुंच चुका है अब हम को यहाँ पर हमारा जो एम है वो हमको निकालना है आर मैक्स मतलब कि मैक्सिमम आर निकालना है हमें कि इस राडार सिस्टम का मैक्सिमम आर या डिस्टेंस ऑफ टारगेट कितना होना चाहिए तो इसके लिए हम देखेंगे कि हम पी आर को इक्वेट कर दें पी मिन से सो व्हेन पी आर इज़ इक्वल टू पी मिन देन रेंज इज मैक्सिमम वेन पी आर इज पी मिन देन रेंज इज मैक्सिम है ना मतलब कि जब रिसीव्ड पावर उस राडार के मिनिमम डिटेक्टेबल पावर पी मिन के बराबर होगा तब रेंज इसका आर मैक्स होगा सो पी मिन जो है अब हम लिख रहे हैं पी पी आर को हमने पी मिन लिख दिया पी मिन इज इक्वल टू पी टी जी ए स्क्वायर लेमडा स्क्वायर एस डिवाइडेड बाय फोर पाई क्यूब आर मैक्स रेस टू फोर अगेन नीचे हम आते हैं यहाँ पर मैं आर मैक्स को लेफ्ट साइड में ले जा रही हूँ और पी मिन को राइट right साइड के बॉटम में ले जा रही हूँ आर मैक्स रेस टू फोर इज इक्वल टू पी टी बाय पी मिन जी ए स्क्वायर लेमडा स्क्वायर एस अपॉन फोर पाई क्यूब तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन रेंज का बन जाता है अगर मैं आर का जो फोर्थ पावर है इसको हटाती हूँ तो राइट right साइड में अंडर रूट के ऊपर फोर्थ पावर का अंडर रूट आ जाएगा और आर मैक्स जो है वो इस इक्वेशन के बराबर हो जाएगा तो ये देखने में बहुत कठिन इक्वेशन लग रहा है लेकिन ये बहुत इजीली डराइव होता है जैसा कि हमने देखा है अगर हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं तो ये इक्वेशन पे हम फाइनली पहुंच जाते हैं और बहुत सरल तरीके से पहुँच जाते हैं तो इस इक्वेशन को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है हमको बस इतना याद रखना है कि हम सिक्वेंशली जो है चलते जाएं। जैसा कि मैंने यहाँ पर जो फिगर बनाया है इस डायग्राम में सबसे पहले हम पी टी निकालेंगे फिर पी टी डैश निकालेंगे फिर पी एस निकालेंगे फिर पी एस डैश निकालेंगे फिर पी आर डैश निकालेंगे और अंत में पी आर निकालेंगे बस ऐसे छः स्टेप में आपका ये पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि इसी रेंज इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं तब तक आप इसको बार बार देख के इस मेरे वीडियो को देखिए समझिए शेयर करिए लाइक करिए सब्सक्राइब के लिए मैं अभी नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने अपना चैनल शुरू नहीं किया है सो एन्जॉय द रीडिंग एन्जॉय द अंडरस्टैंडिंग स्टे सेफ स्टे हेल्दी गुड बाय